भाभी जी घर पर हैं? हमने कहा भाभी जी घर पर हैं। माइंड योर लैंग्वेज मिस्टर मनमोहन तिवारी, आप महारानी झिंगूरपुर को इस तरह से आवाज नहीं दे सकते। आपने सुना नहीं हमने क्या कहा? क्षमा चाहेंगे भाभी जी, वो महारानी साहिबा, दरअसल हमसे भूल हो गई। गलती तो आपने की है तिवारी जी, और इसकी सजा भी आपको मिलेगी। आप जो सजा देना चाहे हमें दे सकती हैं भाभी जी। ए, महारानी साहिबा, ठीक है, आपकी पहली गलती है इसलिए हमने आपको माफ किया। थैंक यू महारानी झिंगुरी। भाभी, महारानी साहिबा, ये क्या कर रहे हैं आप तिवारी जी? ये कहाँ बैठ रहे हैं आप? सोफे पे बैठे हैं भाभी जी। माफ कीजिएगा मिस्टर मनमोहन तिवारी, अब आपको पता है कि हमारा ताल्लुक रॉयल फैमिली से है, इसलिए अब आपको हमारे सामने अदब से पेश आना चाहिए। भाभी जी, हम तो हमेशा आपके साथ अदब से ही पेश आते हैं, आप बेअदबी का मौका ही नहीं देती। अगर ऐसी बात है तो फिर आपको इस तरह से सोफे पे हमारे सामने नहीं बैठना चाहिए। प्लीज डोंट माइंड तिवारी जी, देखिए ये हमारी परंपराएं हैं और इन परंपराओं को हमें अब निभाना पड़ेगा। तो महारानी साहिब, आप सही है? आप खड़े क्यों हो गए? परंपराओं का पालन कर रहे हैं? नीचे बैठिए। मतलब खड़े रहने से काम नहीं चलेगा? मिस्टर मनमोहन तिवारी, अब आप हमारे हुक्म की तामील नहीं कर रहे हैं। क्षमा चाहेंगे रानी साहिबा। आपकी गलती नहीं है मिस्टर मनमोहन तिवारी, दरअसल आपका कभी किसी रॉयल फैमिली से वास्ता नहीं रहा ना। हाँ भाभी जी, बाकी रॉयल फैमिली से वास्ता तो नहीं रहा। वैसे तिवारी जी माफ कीजिएगा, लेकिन आपकी खुश नसीबी है कि आप हमारे जैसे रॉयल्टी के सामने इतने नजदीक बैठे हैं। वरना आपकी ऐसी औकात नहीं है कि आप हमारे इतने नजदीक आमने सामने बैठे। अरे यार भाभी जी ने रॉयल फैमिली के नाम पर हमें काफी जलील कर दिया, इससे पहले कि और ज्यादा जलील करें निकल लो। अरे अरे तिवारी जी कहाँ जा रहे हैं? खुदा हाफिज भाभी जी, खुदा हाफिज। ये सरासर तौहीन है हमारी।